अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्जाम फोकस पॉइंट में आज हम बात करते हैं फाइंड एन इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। राइट, लास्ट टाइम हमने बात की थी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स के हवाले से, तो आज हम करते हैं उससे आगे एक्सरसाइज फाइंड एन इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन मेथड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आपको ये मैं बताऊँ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स का जो फार्मूला है वो है आपके पास वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक पे फॉलो करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा चलते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये सवाल देखना है और फाइंड एन इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा, एक और बात आप समझिए, क्वेश्चन के हवाले से एग्ज़ाम के हवाले से आपके पास इस टाइप के दो सवाल आते हैं, तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में सवाल में आए फाइंड एन इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। और अगर फाइंड एन स्लोप आ जाए, फाइंड एन स्लोप टू द स्ट्रेट लाइन, तो वो अलग फार्मूला है, वो मैं आपको वो भी इसी फार्मूले में जस्ट वो आपने क्या करना है, इस चीज़ को और इस चीज़ को कट कर लेना, लेकिन वाई टू माइनस वाई वन नेक्स्ट टू माइनस एक्स वन जस्ट अप्लाई होगा। तो पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम वो करेंगे फाइंड द स्लोप के हवाले से। तो चलते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सवाल है, हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा। अच्छा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास है इक्वेशन। राइट, इक्वेशन पासिंग थ्रू। राइट, इक्वेशन पासिंग थ्रू देखें, तो हमारे पास जो इसका सवाल है उसमें है थ्री एंड फोर, और उसके बाद है हमारे पास एंड फाइव एंड एट, फाइव एट। राइट, अच्छा यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वन, और ये हो जाएगा वाई वन, और ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा वाई टू। अच्छा, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें फार्मूला लिखें वाई, ठीक, ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल, उसके बाद ये देखें y2 माइनस y1, और यहाँ पर x2 माइनस x1। राइट, अच्छा उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे x माइनस x1। इसी तरह ये आपका फार्मूला। अब इस फार्मूले में आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर आप देखें y, y को आप इसी तरह यहाँ पर रख दें, और ये माइनस आ गई y1 की जगह, आपके पास जो वैल्यू है y1 की ये 4, तो यहाँ पर आपने 4 रखा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये y2 की वैल्यू 8 हो गई, यहाँ पर आ गई y1 की वैल्यू 4 हो गई, माइनस की जगह माइनस 4 आ गई। अच्छा, उसके बाद देखें x2 की वैल्यू क्या है, 5, तो आपने यहाँ पर 5 रखा, माइनस की जगह ये माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास ये 3, यहाँ पर आ गया 3, और ये x अपनी जगह वापस आएगा, माइनस अपनी जगह वापस आएगी, और उसके बाद यहाँ पर x1, x1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 3। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास है 4, और ये y माइनस ये 4 अपनी जगह आएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखें 8 माइनस 4 आपके पास जवाब आ जाएगा 4, एंड 5 माइनस 3 आपके पास जवाब आ जाएगा 2, तो x माइनस ये 3 वापस। राइट, अब आपने क्या करना है, ये देखें 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास जो जवाब आया वह एक्स वाई माइनस 4, और वाई माइनस 4 इक्वल टू ये हमारे पास 2 और एक्स माइनस 3। राइट, अच्छा अब आपने क्या करना है ऐसा आगे कि ये y माइनस 4 अपनी जगह पे आएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x,
प्लस माइनस ये माइनस टू मल्टीप्लाई बाई थ्री ये हो जाएगा सिक्स। अच्छा अब आपने क्या करना है, आगे यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास है वाई यहाँ पर रहेगा अपनी जगह पे माइनस का फोर उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये इक्वल टू ये टू एक्स माइनस सिक्स और ये माइनस का फोर उस तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस का, राइट। अच्छा अब आपने यहाँ पर देखें, अब आपने क्या करना है कि वाई अपनी जगह पे रहेगा इक्वल टू टू एक्स अपनी जगह पे माइनस का सिक्स एंड प्लस का फोर, तो यहाँ पर आपके पास जवाब आ जाएगा माइनस का टू। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये देखें माइनस का टू इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और वाई प्लस का इक्वल को उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, टू एक्स अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस का वाई उस तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस का वाई और ये टू इस तरफ आके इक्वल के हो जाएगा प्लस का, राइट। या आपने क्या करना है उसके अलावा, अब यहाँ पर ये इक्वेशन बनाया आप टू एक्स माइनस वाई और ये टू को भी इक्वल के इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस का और यहाँ पर ये इक्वल, तो ये आपका फाइनल आंसर। फ्रेंड्स चैनल को लाजमी फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम क्वेश्चंस आप तक पहुँच सकें।